हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर हेल्थ केयर। आई एम डॉक्टर मोहित। तो फ्रेंड, आज हम बात करने जा रहे हैं मॉन्टेक एलसी टैबलेट की। क्या इसके फायदे होते हैं, क्या इसके नुकसान होते हैं, किस कंडीशन में लेना है, कब नहीं लेना है, इस बारे में विस्तार से करेंगे जानकारी। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मेरी गुजारिश, आपसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब जान लेते हैं मॉन्टेक एलसी टैबलेट की। इसमें जो है दो कंटेंट पड़े होते हैं, एक कंटेंट पड़ा होता है मोंटिलोकार्ब, दूसरा पड़ा होता है लिवोसेटर्जिन। ये जो है दोनों कंटेंट बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे हैं एलर्जी के लिए। इसे सन फार्मा बनाती है। 10 टैबलेट 150 रुपये में बहुत आसानी के साथ हर मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी के साथ मिल जाती है। सन फार्मा बहुत ही अच्छी कंपनी है। अब जान लेते हैं इसके यूज़। इसका इस्तेमाल जब कराया जाता है, जब किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम या रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, दमा हो गया है, सांस फूल रही है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर बहुत ज़्यादा नाक बह रही है, छींकें आ रही हैं, आँखों से पानी बह रहा है ज़ुकाम की वजह, सर में दर्द हो रहा है, गले में खराशें पड़ रही हैं, या फिर बलगम जम गया है, बलगम नहीं निकल रहा है, बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, दमा हो गया यानी कि अस्थमा हो गया है, बुरा हाल हो गया, छींकों की वजह से जो है सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, इन सब बीमारियों को दूर करने के लिए मॉन्टेक एलसी टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर फंगल इन्फेक्शन हो गया है, दांत खाज खुजली हो रही है वहाँ पे, उसमें भी इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। अब जान लेते हैं इसकी डोज। इसे जो है अडल्ट में एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम खाना खाने के बाद दे सकते हैं, और बच्चों में आधी टैबलेट सुबह, आधी टैबलेट शाम दे सकते हैं। अब जान लेते हैं इसके परहेज़, किसको नहीं देना है। इसे जो है प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना है। अगर किसी का बीपी हाई है या फिर वो जो है हार्ट पेशेंट है, तब भी इसको नहीं देना है। अब जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि जी मचलाना, उल्टी होना, वॉमिटिंग होना, शरीर पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाना, घबराहट हो जाना, बीपी हाई हो जाना। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो इसका इस्तेमाल ना करें, और इसे जो है इस्तेमाल करने से पहले अपने नज़दीक डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर राय लें, सलाह लें, फिर इसका इस्तेमाल करें, खुद इससे इस्तेमाल ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, घंटी बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।